बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 2.3 की जो थ्योरी है वो मैंने पिछली वीडियो में कर ली, अब पार्ट वन मैंने उसको दिया है, ये उसकी पार्ट टू है। इसमें एक्सरसाइज 2.3 की कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट रूल क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू 3x plus 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख ले, इस फंक्शन को देख ले तो इसको देख ले तो इसके दरमियान प्रोडक्ट है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। चला प्रोडक्ट रूल में हमने कहा था कि फर्स्ट इस तरह के कुछ अल्फाज मैंने बताए थे कि फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड। देखिए, फर्स्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट को ड्रॉप कर लो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट को ड्रॉप कर लो, ये डी वाई डी एक्स है, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। फर्स्ट को ड्रॉप कर लो और डिराइवेटिव ले ले आप किसका? सेकेंड का, 3x plus 1, प्लस लगाए। सेकेंड को ड्रॉप करो, ये सेकेंड है तो 3x plus 1 सेकेंड वाला है, और डिराइवेटिव ले ले आप किसका? फर्स्ट का, -2। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को हम डिराइवेटिव से बाहर कर सकते हैं। थ्री क्या है? थ्री इज़ अ कांस्टेंट, इसलिए हम इसको बाहर कर सकते हैं। अच्छा, डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? वन होता है। मैंने बताया था कि डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा वन। और कांस्टेंट का डिराइवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डिराइवेटिव जीरो होता है, यहाँ पे वन है। डिराइवेटिव में दोनों को दे सकता हूँ, मैंने इसमें सम रूल अप्लाई किया, फिर उसमें हम मैंने कांस्टेंट रूल, ये रूल्स मैंने अप्लाई कर ली, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस 3x plus 1, अपनी जगह पर डिराइवेटिव लेंगे। डिराइवेटिव मैंने सम रूल मैंने पढ़ा था कि डिराइवेटिव हम दोनों को दे सकते हैं, मैं इसको भी डिराइवेटिव दे सकता हूं, इसको भी दे सकता हूं। इस पे लगाने से पावर रूल हो जाएगा। पावर रूल क्या है कि पावर को आउट कर ले, पावर नीचे लिखे, बेस लिखे, ये जो एक्स है ये एक्स बेस है, और पावर से एक माइनस कर ले तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और जब मैं 2 पर डिराइवेटिव लगाऊंगा तो कांस्टेंट का डिराइवेटिव जीरो हो जाता है, तो ये इस तरह ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, देखिए अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x square minus 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। अच्छा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6x square plus 2x, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सेट कर लेते हैं, 3x square, ठीक है, प्लस 6x square plus 2x -6 = 0, ठीक है जी। अच्छा, ये 9x square, अच्छा जी, प्लस ये हो जाएगा 2x - 6 इक्वल, ये इसका आंसर है, ठीक है। जिस तरह मैंने थ्योरी अगर आपको समझ आई है ना, तो आप इसमें एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के बाद सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पार्ट वन के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसमें एफ पार्ट को देख ले। एफ पार्ट जो है, ये एफ पार्ट है, इसमें थोड़ा टेक्निकल है, इसको कर लेता हूँ इंतहाई, मतलब लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, इसको कर लेता हूँ। अंडर रूट आए तो इसमें थोड़ा मुश्किलात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है? -3 under root x plus 6, ठीक है, और 4 under root x minus 2। चले, ठीक है, सोल्यूशन क्या करें? डिराइवेटिव ले, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स -3 under root x plus 6 और 4 under root x minus 2, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? इन दोनों फंक्शन के दरमियान अगर हम देख लें तो इसमें हमको यूज़ हुआ है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने कहा कि फर्स्ट को ड्रॉप कर लो, -3 under root x plus 6, फर्स्ट को ड्रॉप कर लो, सेकंड का डिराइवेटिव ले लो, सेकंड क्या है? ये है ना, सो 4 under root x minus 2, प्लस सेकंड को ड्रॉप कर लो, 4 under root x minus 2 सेकंड है, इसको ड्रॉप कर लो और डिराइवेटिव ले ले किसका? -3 under root x plus 6 का, फर्स्ट का, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ गए हो तो आगे भी समझ आएगी इंशाल्लाह। -3 under root x plus 6 अपनी जगह पे हो जाएगा। अच्छा, इसको
इसमें मैंने डिफरेंस रूल यूज़ किया है कि डिराइवेटिव में इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ. जब इसको दूंगा तो फोर इसमें कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट का जो डिराइवेटिव, कांस्टेंट को डिराइवेटिव से बाहर कर सकते हैं. अगर अंडर रूट एक्स ना हो, सिर्फ फोर हो, तो इसका डिराइवेटिव ज़ीरो होगा. लेकिन इसके साथ x है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि 4x is a constant. No, it's not a constant. Now, 4 को मैंने बाहर कर दिया, चले बाहर कर दिया. अच्छा, x की पावर इस x का है, इस x को मैं अंडर रूट x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, चले इस तरह कर लेते हैं कि dx, इसको मैं इसी तरह 4x की पावर 1/2 सबसे पहले इस तरह लिख लेते हैं. वही दोबारा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन x की जो पावर है मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, अंडर रूट को मैं पावर में लिख रहा हूँ. ठीक है, -2 प्लस, अच्छा 4 अंडर रूट, अंडर रूट क्या है, x की पावर 1/2 -2, और इसको मैं d विद dx -3 x की पावर 1/2 प्लस 6. ठीक हो गया. अच्छा, अब मैं डिराइवेटिव अप्लाई करूँगा, -3 अंडर रूट लो x की पावर 1/2 प्लस 6. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, कांस्टेंट को मैं डिराइवेटिव से बाहर कर सकता हूँ, फोर इज़ अ कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर कर लिया. एक्स पर जब मैं डिराइवेटिव लगा रहा हूँ तो एक्स का मेरे पास पावर है 1/2, इस पे मैं क्या लगाऊंगा, इस पे मैं पावर रूल लगाऊंगा. पावर को आउट कर ले, पावर 1/2 है, 1/2 को नीचे लिखे. ठीक है, बेस लिखे, बेस क्या है, एक्स है, और पावर जो है वो पावर लिखे और इससे एक माइनस कर ले, और ठीक हो गया. अच्छा, अब डिराइवेटिव जब मैं 2 पे लगा रहा हूँ तो 2 इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसको मैं इस तरह लिख लूँगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिराइवेटिव जीरो. ठीक है, प्लस अपनी जगह पर 4x की पावर 1/2 -2. ठीक है, अपनी जगह पर सेम रूल इज देयर. नाउ हमने कहा व्हाट इज -3x की पावर 1/2, -3 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम डिराइवेटिव से बाहर कर सकते हैं, मैंने बाहर कर लिया. अच्छा, फिर क्या है कि अगर आप x पर डिराइवेटिव लगाएंगे तो x, व्हाट इज x, x की पावर है तो मतलब क्या है कि पावर रूल लगाओ, पावर आउट कर लो, बेस लिखो, x है, पावर से एक माइनस कर दो, 1/2 से एक माइनस कर लो, और प्लस 6 अपनी जगह पे. समझ आई, देख, ठीक हो गया. अगर आप में, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक आप हमको बता सकते हैं. अच्छा, -3x की पावर 1/2 प्लस 6 अपनी जगह पे, बिल्कुल. अच्छा, 4 अंदर हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 2 x की पावर -1/2. ठीक है, प्लस देखिए 4x की पावर 1/2 -2 अपनी जगह पे, बिल्कुल. अच्छा, ये क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2 x की पावर -1/2 और प्लस, अच्छा ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डिराइवेटिव कांस्टेंट का डिराइवेटिव ज़ीरो होता है. तो ये मैंने 6 लिया है, जो कि मैंने गलती की है. ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा. समझ आई, देखिए क्वेश्चन को ना सीखे, रूल्स को सीखे ना, हर किस्म का क्वेश्चन आप कर सकेंगे. अगर आपको रूल आता है तो आप हर किस्म का क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप कर सकेंगे. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, वो आपका चेक होगा कि आप किस तरह सिंप्लीफिकेशन में है. अच्छा, -3x की पावर 1/2 प्लस, अच्छा इसको मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, प्लस 6. ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 -1/2 प्लस ये 4x की पावर 1/2 -2. ठीक है, -3/2 x की पावर -1/2. ठीक है, अच्छा इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये x की पावर -1/2 है. जब मैं इसको 3 × 2 = -6 x की पावर 1/2 और डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता. ठीक हो गया, क्योंकि देखिए -1/2 मतलब क्या है कि 1 / √x का मतलब है -1, मतलब क्या है, मैं तो इस तरह लिखता हूँ 3 × 2 = 6. ठीक है, ये x की पावर 1/2 अपनी जगह पर, ये क्या है, x की पावर -1/2, इसका मतलब क्या है, मैं इधर आपको इस तरह रफ वर्क थोड़ा कर लूँगा. अच्छा क्या है कि x की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या है, 1 √x नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल है. तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने इधर लिख लिया. ठीक है, अच्छा अब क्या, प्लस इसको जब मैंने 6 × 2 = 12, ठीक है, √x की पावर √x, ठीक है, मैंने नीचे लाया. ठीक है, प्लस, अच्छा अब देखिए
इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3s are 12 डिवाइड बाय 2, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है बिल्कुल, माइनस, अच्छा इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 2s are 6 माइनस 2 माइनस, अच्छा ये 3 है तो 4 3s are 12 लेकिन माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, ठीक है अच्छा 4 3s are 12 माइनस 2 माइनस प्लस 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स ये इधर आ जाता है, ठीक है देखिए ना 3 2s are मैंने कहाँ पे गलती की है, अच्छा 3 2s are ये 6 आता है, ठीक है माइनस टू माइनस प्लस लगा लिया, ठीक है ये 2 अपनी जगह पर है मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको माइनस 1/2 इस तरह लिख सकते मल्टीप्लाई करने की इस तरह है मल्टीप्लाई करें तो इस तरह लिख सकते हैं, मैं इसको नीचे लाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है अच्छा देखिए माइनस 6x की पावर 1/2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 12 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स, 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, अच्छा प्लस इंटू प्लस प्लस 6 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया नज़र आ रहा है आपको तो, अच्छा ठीक हो गया देखिए अब कटिंग कर लेते हैं, चले कुछ कटिंग कर लेते हैं, 2 1s are 2 2 2 6s are 2 1s are 2 2 3s are 6 ये अंडर रूट इसके साथ कट जाता है, ठीक है अच्छा ये अंडर रूट एक्स ये इसके साथ कट जाता है क्योंकि ये अंडर रूट है, अच्छा ये अब क्या रह गया हमारे पास माइनस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 6 और प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया ये हमारे पास रह गया ये 6, अच्छा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, चले अब देखिए माइनस 6, चले इस माइनस को मैं इस तरफ ले जाऊँ माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है और प्लस इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा अंडर रूट एक्स मैंने एलसीएम लिया इसके साथ कट गया 6 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल माइनस 12 प्लस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, इसको या इस तरह लिखा होगा आंसर या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस ट्वेल्व प्लस 9x की पावर माइनस 1/2, इन दोनों में देख देखिए अगर इस तरह लिखा है तो आप इस तरह लिख ले वरना इस तरह भी लिख सकते हैं, अच्छा नीचे अब देखिए अब क्वेश्चन रूल देखिए यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है देख ये वाला इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर ले, क्वेश्चन रूल क्या था मैंने कहा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले ले एक्स माइनस 4 का स्क्वायर ले लो बिल्कुल, नोमिनेटर का डिराइवेटिव लो ऊपर वाले का डिराइवेटिव, फिर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को ड्रॉप कर लो माइनस डिनोमिनेटर का डिराइवेटिव और नोमिनेटर को ड्रॉप कर लो, क्वेश्चन रूल मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि किस तरह अप्लाई करते हैं, इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है अच्छा क्या है कि y इज इक्वल टू 3x - 5 डिवाइडेड बाई x - 4, ठीक है देखिए क्वेश्चन रूल किस तरह है, देखिए ना फ्रैक्शन में आया नहीं तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन रूल मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये देखिए ये क्वेश्चन रूल था, देखिए ये वाला क्वेश्चन रूल है, चले इस पर अब मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है क्या है कि क्वेश्चन रूल बता रहा है कि आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लें एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है अब नोमिनेटर का डिराइवेटिव ले लें dx किसका ले लें 3x - 5 का, ठीक है और डिनोमिनेटर को इस तरह लिखे एक्स माइनस 4 को इस तरह लिखे, ठीक हो गया अच्छा माइनस कर ले डिनोमिनेटर का डिराइवेटिव ले dx किसका ले डिनोमिनेटर का ले लिया और पिन भी काम कर अच्छा नोमिनेटर को इसी तरह छोड़ ले, ठीक हो गया देखिए अब डिराइवेटिव वही रोल है कांस्टेंट को बाहर कर लिया, ठीक है x का 1 होता है कांस्टेंट का 0 होता है ये 3 हो गया और x माइनस 4 अपनी जगह पे, ठीक है अच्छा डिवाइड x माइनस 4 का माइनस, ठीक है अब देखिए इसका डिराइवेटिव ये क्या है ये एक्स है, डिराइवेटिव हम ये जो क्वेश्चन रूल हमने सॉरी क्या है वो यार सम रूल डिफरेंट रूल
कि डिराइवेटिव हम दोनों को देख सकते हैं, तो डी एक्स विद डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन होता है, तो ये वन हो गया और ये जीरो हो गया, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स प्लस फाइव से। अगर आप इसको नहीं समझ रहे, इसका मतलब यह है कि आपको रूल्स नहीं आती। अगर आपको रूल्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकेंगे, ठीक है। थ्री को मल्टीप्लाई कर ले, थ्री एक्स फोर थ्री जार माइनस ट्वेल्व माइनस, ठीक है, थ्री एक्स और प्लस माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि थ्री एक्स, अच्छा अब इसको देखें, ये प्लस थ्री एक्स है, ये माइनस थ्री एक्स है, ख़त्म हो गया, ठीक है। माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव से मेरे ख्याल से माइनस सेवन आ रहा है, डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन रूल आ रहा है ना तो आप इसको कर सकेंगे। अच्छा अब आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज की इसमें टू में जितने भी क्वेश्चन हैं सेम है, ठीक है, सारे के सारे सेम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट भी और नीचे क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्या करेंगे, आप इस तरह कर ले कि सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर वाले को सिर्फ मल्टीप्लाई कर ले, फिर जब उससे एक फंक्शन बन जाए तो आप उसका आप उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या है, चलिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। चले कौन सा है ये जी नंबर, जी नंबर को मैं देखिए 2p प्लस 3, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर लो 4p माइनस 1 और डिवाइड बाय 3p प्लस 2। अच्छा अगर आप इसको देख ले तो ये दिखाई दे रहा है कि इस पर क्वेश्चन भी अप्लाई कर लो, प्रोडक्ट भी अप्लाई करो। इन दिस केस वी हम क्या करेंगे, देखिए तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इन ऊपर वाले को सबसे पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 2p को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 4p माइनस 1 के साथ, और 3 को प्लस 3 को मैं 4p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 3p प्लस 2 अपनी जगह पर। इस पहले वाले को इनके साथ, फिर इसको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आ रही है इसको कर सकेंगे। 4 2s are 8p स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है, प्लस 4 3s are 12p प्लस इंटू माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2, ठीक है। इससे क्या आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, अच्छा 8p स्क्वायर माइनस प्लस लगाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे लेकिन निशान बड़े का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10p माइनस 3 अब डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2, ये अब रेडी हो गया। अब ये रेडी हो गया, आप इस पर क्वेश्चन अप्लाई कर लो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले ले, डिनोमिनेटर का डिराइवेटिव ले, डिनोमिनेटर को ड्रॉप कर ले। अगर आपको रूल्स आ रहा है क्वेश्चन रूल तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिया। अगर आप नहीं कर सकते, मसला है इसमें, बेशक आप हमको बता सकते हैं, हम इसको आपके लिए फिर दोबारा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये होगा अगर आपको रूल आता है तो ये ज़रूर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री को कर लेते हैं। अच्छा 4, 5 और 6 बिल्कुल सेम है, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं है, ठीक है। 4, 5 और 6 सेम है, इन्होंने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू डी, ये फोर नंबर देखे ना, डिराइवेटिव ले ले। सबसे पहले आप फाइंड कर ले एफ प्राइम, एफ प्राइम का मतलब है डिराइवेटिव डी वाई डी एक्स, ठीक है, डिराइवेटिव फाइंड कर ले। अच्छा एफ प्राइम मालूम कर ले, फिर आप ये आपको बता रहे हैं कि जो एफ प्राइम जो डिराइवेटिव आप मालूम करें उसमें आप 2 पुट करें, फिर आप उसमें 5 पुट कर ले, कोई मसला नहीं, आप कर सकेंगे। इस तरह ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी कर ले, आप इसका डिराइवेटिव आप, अच्छा 5 नंबर को देख ले, 5 नंबर को, 5 नंबर में आप इस तरह कर लेना। 5 नंबर में एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन रूल से बच जाए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप देख ले कि टी इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा आप इस तरह कर ले, इस 100 को आप सबसे पहले 700 को बाहर कर ले, ठीक है, 700 को बाहर किया तो इधर रह जाएगा 1 by t square plus 4 plus 4t plus 1 plus 10, ठीक है, ये रह जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 700, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि t square plus 4t plus 10 whole power minus। अच्छा अब इससे क्या है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा ले, क्वेश्चन रूल से ये लिंथी होगा, प्रोडक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिराइवेटिव ले ले, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री में एक आप ये बात याद रखिएगा, इसका जो बुक में थ्योरी है वो इतनी खास नहीं है, मतलब इतनी लेंथी नहीं है, बस 2-3 लफ्ज़ है, तो इसलिए हम उसको ना उसमें ऐड कर सके। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि टेंजेंट लाइन
of the graph of the given function at particular points. अच्छा ये बता रहे हैं कि ये जो function है आप इसका मुझे slope मालूम कर लें, ठीक है, किस point पे 3 और 2 पे। देखिए अब याद रखिएगा tangent line की equation का जो formula है, tangent line की equation का formula, देखिए tangent line formula, equation का जो formula है ये याद रहना चाहिए, y minus y naught equal to m x minus x naught। अच्छा ये m क्या है, m क्या है, ये m असल में क्या है, ये स्लोप है, ये डेरिवेटिव है dx, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आप इसको f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं, ये क्या है असल में, ये स्लोप है। देखिए अच्छा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो इंटरवल दिए गए हैं ये 3 और 2, ये पहला वाला x naught है और ये दूसरा वाला y naught है, ठीक है, ये इसमें ये कुछ खास नहीं है। चले इसमें पहले वाले को कर लेते हैं, f of x is equal to 3x minus 7 और interval 3 और 2 दिया गया है, ये x naught है और ये y naught है। अच्छा देखिए ये y है is equal to 3x minus 7, बिल्कुल derivative ले ले, dx is equal to d with respect to dx 3x minus 7, ठीक है। अच्छा देखिए constant को बाहर कर सकते, 3 is a constant, constant को बाहर किया 3, और अगर इस पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। इसको मैं इसलिए कांस्टेंट कह रहा हूं कि इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी डेरिवेटिव जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ये dy dx is equal to ये क्या है, ये 3 आ गया, इस 3 का मतलब क्या है, m is equal to 3, ये स्लोप है। अच्छा अब देखिए v now that tangent line equation का जो formula है वो हमको पता है कि y minus y naught equal to m into x minus x naught, यहाँ पे बताया गया है कि आप मुझे उस line की equation बनाओ, बताओ बताओ equation, ठीक है ना। अच्छा y हमारे पास क्या है, y हमारे पास नहीं है, minus y naught क्या है ये देख ले, 2 हमारे पास y naught है, equal to m क्या है 3 है, और x क्या है नहीं है, minus x naught हमारे पास 3 है, ठीक है। y minus 2 equal to 3x, 3 3 are 9, minus क्या हो गया minus 9, okay wait second pin now, अच्छा ये ठीक है 9 हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, y minus 2 is equal to 3x minus 9, दोबारा मैंने लिख लिया। अच्छा अब देखिए 3x minus 9 मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ, y minus 2 बिल्कुल 3x minus 9, इसको मैं इस तरफ कर लूँगा तो ये प्लस है minus, so y plus 2 हो जाएगा, 3x minus 9 plus 2 minus y equal to 0 हो जाएगा। अच्छा प्लस इनटू माइनस माइनस करेंगे लेकिन निशान बड़े का लगेगा। अच्छा 3x minus 7 minus y equal to 0, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास इसका आंसर है, ये वो इक्वेशन है जो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का इक्वेशन क्या है, तो ये वो इक्वेशन है जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आप ये मालूम कर ले। अच्छा ये नीचे आ जाएगा, यहाँ इस तरह भी हो सकता है कि आपको फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दे, मतलब क्या है कि x दे दे, x का मतलब x नॉट है। अब y आप किस तरह मालूम करते हैं, देखिए सी नंबर को, देखिए मैं सी नंबर को भी कर लेता हूँ, चले थोड़ा आपको हैंड्स दूंगा, 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 2, ये असल में x नॉट है, ठीक है। अब इसकी जो सॉल्यूशन आप करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए f of x क्या है, y है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x प्लस 3, टू फाइंड y सबसे पहले y फाइंड कर लेंगे, y का मतलब है y नॉट, ठीक है। सो y नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x की जगह 2 पुट कर ले प्लस 3 हो जाएगा 1 बाय 5, तो so y not is equal to 1 by 5। अब देखिए ये हो गया। अच्छा अब बस तरीका सेम हो गया, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन मैंने कर लिया आप इस पे भी कर ले, इसका डेरिवेटिव ले ले, इससे आपको स्लोप आ जाएगा y x not और y not आपके पास है, फार्मूला लिख ले y minus y not is equal to m into x minus x naught, इसमें पुटिंग कर ले आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव ले ले क्योंकि इसमें इसकी डेरिवेटिव लेने से हमारे पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन हो गए, हम बिल्कुल तरतीब से जा रहे हैं, जो लड़के ने कमेंट्स की थी कि आप तरतीब से नहीं जा रहे, तो हम बिल्कुल तरतीब के साथ जा रहे हैं कि हम सबसे पहले थ्योरी कर लेते हैं उसके बाद सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थ्योरी 10 मिनट की है, 20 मिनट की हो गई, दोनों को कंबाइन करके वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको अपलोड कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड
ज़रूर इसको शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो सकती है। थैंक्स।